नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी सिवान, हुसैनगंज और हसनपुरा तीन प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये तीनों जगह के नतीजे ये पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है, क्योंकि 80-85% पुराने कैंडिडेट बदल दिए जा रहे हैं और 15-20% ही पुराने कैंडिडेट चुनाव जीत के दोबारा अपने पंचायत में आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए जितने भी प्रत्याशी लोग हैं उनके अंदर एक आशा की किरण जगी है, लेकिन वहीं पे जो 5 साल तक समय बिता चुके हैं इस पंचायत अपने क्षेत्र के लिए, उनके अंदर एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो अभी हम मौजूद हैं आंध्र प्रखंड में, क्योंकि आंध्र प्रखंड में भी 24 अक्टूबर के दिन वोटिंग होने वाला है और उसको देखते हुए यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो चुकी है और सारे प्रत्याशियों का दौरा भी तेज़ हो चुका है। तो अभी हम मौजूद हैं खासकर आंध्र प्रखंड के अर्कपुर पंचायत में और अर्कपुर पंचायत में हमारी मुलाकात आज हुई है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 के जो भावी जिला परिषद जो प्रत्याशी हैं शीतल पासवान जी, उन्हीं से, और उनके समर्थक लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ एक गणमान्य एक नेता किस्म के व्यक्ति मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है शीतल पासवान जी को लेकर और यहाँ के जो अर्कपुर पंचायत के जो मुखिया प्रत्याशी इन्हीं के पार्टी के, उनको लेकर क्या कहना है। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले आपके चैनल को, आपको और आपके माध्यम से पूरे सिवान और बिहार के लोगों को, आंध्र के लोगों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अपना परिचय दीजिए पूरा। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, अखिल भारतीय किसान महासभा केंद्रीय कमेटी सदस्य सिवान जिला सचिव जैनह यादव। अभी चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है कि तमाम तीन प्रखंडों में जहां भी चुनाव हुए हैं और वहां के जो रिजल्ट आए हैं इससे आप भली भांति परिचित भी हैं, तो क्या वो बदलाव की लहर आंध्र प्रखंड में भी कायम रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, पूरे देश में आज किसानों का सवाल उभर करके सामने आया है। सबसे बड़ा सवाल आज देश में यदि है कोई सवाल तो किसानों का सवाल है। आप देख रहे हैं किसी कोरोना काल में मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदल देने का जो आह्वान किया और ठीक उसी समय लॉकडाउन में सारे लोग अपने घरों में कैद थे, बंद थे, और उसी समय 3 कृषि बिल ला करके 2020 प्रस्तावित बिजली बिल ला करके चंद पूंजीपतियों के पक्ष में काम करने का वो काम किए, और जिस कृषि बिल को लेकर के पूरा हिंदुस्तान आज सड़कों पर है, आंदोलन में है और आंदोलन करके मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि मोदी जी ये 3 कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, गरीब मजदूरों के हित में नहीं है, आंदोलन आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसान तमाम जो है लोगों के अंदर एक सबसे बड़ा पूरे देश में मुद्दा यदि है तो किसानों की खेती और किसानी है। आपने देखा बंगाल में किस तरह से किसानों ने जाकर के आह्वान किया, यहाँ मोदी जी को आप वोट न करें, उनको सत्ता से अलग रखें, वहाँ की जनता ने मोदी जी को सत्ता से अलग रखा। इसी तरह से अंदर किसानों से आपको समर्थन दिया है, किसानों से गरीबों से समर्थन मांग रहे हैं कि हमारे जिला पार्षद जो शीतल पासवान हैं, मुखिया के प्रत्याशी जो मंजिता कौर हैं, जो BDC के मुन्ना है और पजेंदर जो सरपंच के उम्मीदवार हैं, ये तमाम लोगों का इतिहास रहा है आंदोलन करने का, किसानों के पक्ष में खड़ा होने का, मजदूरों के पक्ष में खड़ा होने का। इसलिए हम देख रहे हैं आज हम एक हफ्ता से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है, हमें पूरा विश्वास यकीन है कि हमारे जो भी समर्थित उम्मीदवार हैं जिनको हमने समर्थन दिया है और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और अपार समर्थन मिल रहा है, इसलिए ये रिकॉर्ड मतों से हमारे टोटल हमारे जो समर्थित उम्मीदवार हैं BJP जनता उनको दिलाएगी और यही मैं महसूस कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पिछली बार जो मंजिता कौर है वो चुनाव को फाइट की थी, चुनाव को लीड भी की थी, लेकिन ऐसा गंभीर आरोप लगाया जाता है कि गड़बड़ी के चलते इनका रिकाउंटिंग में सीट गड़बड़ा गया, तो क्या लग रहा है कि इस बार तो EVM से चुनाव होने वाला है, कोई EVM को लेकर कोई संदेह है आपको? देखिए EVM तो एक ऐसा उपकरण है जो अमेरिका ने इसको बनाया, अमेरिका में
ये वोटिंग जो होता है ईवीएम मशीन से नहीं होता।